इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ छात्रों का रेस्टोरेंट में गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। खाने का बिल मांगने पर छात्रों ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की और स्टाफ को मारा पीटा। रेस्टोरेंट पहुंचे एक दरोगा ने तोड़फोड़ करने वाले छात्रों को पकड़ने की भी कोशिश की। दरोगा और एक सिपाही ने रेस्टोरेंट स्टाफ की मदद से दो लड़कों को पकड़कर पिस्टल और कुछ कारतूस जब्त किए हैं। यूपी के बहराइच में महिला के साथ गैंगरेप के आरोप में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रयागपुर सरकारी अस्पताल से अपनी दुधमुही बच्ची के साथ महिला एक रिक्शे पर लौट रही थी। रास्ते में रिक्शे वाले और उसके दो साथियों ने चाकू की नोक पर बच्ची को छीन लिया और मार देने की धमकी देकर गैंगरेप किया। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक दूध वाले की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पसौंडा गांव की है। शुक्रवार की सुबह दूध बांटने घर से निकले जाकिर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। यूपी के फैजाबाद पुलिस के एक कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कांस्टेबल एक रिक्शे वाले की पिटाई कर रहा है। रिक्शे वाले का दोष इतना था कि उसने कांस्टेबल का कहा गाना नहीं गाया। बस यही गा रहे थे सर, इश्क है तुम्हें से मेरी ध्यान जिंदगानी। ये गाना गा रहे थे, दूसरा गाना यही गा रहे थे, दूसरा गाना गा रहे थे। वही कसम यही गा रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, वो जी कुमार सिर्फ ये अकेले जानते हैं सर। हाँ, आरोपी कांस्टेबल कैंट थाने से लगे सदर बाजार चौकी में तैनात है और ड्यूटी के दौरान भी नशे में होने का आरोप है। मुंबई के पास विरार में लेडी ट्यूटर को 10 साल के छात्र को गर्म चाकू से दागने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि ट्यूशन में छात्र पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। गुस्से में टीचर ने किचन में गैस पर चाकू गर्म कर हाथ जला दिया। यूपी के मेरठ में दिल्ली गेट थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरों के एक गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह महंगे मोबाइल चुराता था और मुंबई में बेचता था। पुलिस ने चोरों के पास से आईफोन समेत कई बड़े ब्रांड के मोबाइल और चोरी की एक एंडेवियर SUV बरामद की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक नौकर ने चाकू से गोदकर अपनी मालकिन की हत्या कर दी। नौकरानी के मुताबिक नौकर ने किचन में पहले उस पर बैट से हमला किया और चाकू लेकर मारने दौड़ा। इस बीच शोर सुनकर मालकिन वहां आ गई। नौकर ने मालकिन के सिर पर बैट से हमला कर दिया और बाद में चाकू से मार डाला। नौकर घर से 10,000 रुपये लेकर फरार है। यूपी के शाहजहांपुर में एक NRI सुखजीत सिंह की घर में खून से लथपथ लाश मिली है। घटना बांडा थाना क्षेत्र के बसंतापुर इलाके की है। सुखजीत सिंह और उनका परिवार इंग्लैंड के डर्बी से 28 जुलाई को गांव आया हुआ था। हत्या किसने और क्यों की पुलिस इसकी जांच में लगी है। राजस्थान के बारा में एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप की कोशिश का मामला सामने आया है। मंगरोल कस्बे में एक छात्र ने छात्रा को धोखे से कमरे में बुलाया और अपने 3 साथियों के साथ रेप की कोशिश की। छात्रा के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने आकर बचा लिया, लेकिन चारों आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पंजाब के अमृतसर में पंजाब नेशनल बैंक के ATM से चोरों ने 6,66,000 रुपये लूट लिए। शुक्रवार की रात चोरों ने गैस कटर से ATM को काटा और फरार हो गए। सुबह इस चोरी का खुलासा हुआ। CCTV की मदद से पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।